सर, और तो उसमें भी हम इसी तरह का शांति बनाए रखें और मोबाइल स्विच ऑफ कर दें। मैं अपने दोस्त जो हमारी परंपरा रही है प्रेस क्लब की, हमारे मेरे दोस्त धरेंद्र रावत प्रधान हैं, हम सम्मानित करेंगे अपना लोगो देकर। और हमारे बीच हरमोहन धवन जो कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे और हमारे हमेशा प्रेस क्लब को बनाने में जिनका बड़ा हाथ रहा और दोनों दिग्गज नेताओं को बुलाने में उनका बड़ा श्रेय जाता है उनको, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हरमोहन धवन चंडीगढ़ के बहुत ही विचारशील, बहुत ही काम करने वाले, जनहित में काम करने वाले, जो काम चंडीगढ़ में इन्होंने किए आप सब जानते हैं। बहुत काम करने के बाद अब फिर राजनीति में सक्रिय हुए हैं, पहले भी सक्रिय थे, अब और तेजी से इनके कदम बढ़ रहे हैं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और नरेंद्र रावत जी प्लीज। थैंक यू राणा जी। एक बार फिर मैं अपनी सारी वर्णी काउंसिल मेंबर की तरफ से यशवंत सिन्हा जी, शत्रु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, विशेषकर हरमोहन धवन जी का। धवन जी का इस प्रेस क्लब को भी बहुत बड़ा योगदान है। प्रेस क्लब की स्थापना हो रही थी तो धवन जी ने इस क्लब को खड़ा करने में बहुत बड़ी मदद की है। यशवंत सिन्हा जी और शत्रुघ्न सिन्हा जी बढ़ रहे हैं और हम सब आज इनके विचार जानने के लिए, मुझे लगता है कि आप सब, हम जो हमारे मेहमान हैं आज हमारे लिए नहीं, नहीं नहीं ठीक है, आई डिड नॉट सी द नेम प्लेट, आप इधर आओ। दोस्तों, आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब के लिए बहुत ही खुशी भरा दिन है कि हमारे बीच यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा जो दक्षिणपंथी राजनीति और दक्षिणपंथी नेता के रूप में, उनका कोई सानी नहीं है। यशवंत सिन्हा जी के बारे में आप सब भली भांति जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी तो वित्त मंत्री के तौर पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो इन्होंने जो नई दिशा राह यशवंत जी, मेरा सवाल आप दोनों नेताओं से है। पहला सवाल यशवंत जी आपसे है कि आपने जब पार्टी छोड़ी थी, आपने बहुत कुछ कहा कि पार्टी में बहुत कुछ हो रहा है, जैसे भी शत्रु भाई ने भी बोला कि ये पार्टी है अब भाजपा नहीं बल्कि ये नरेंद्र मोदी की पार्टी है। आपको लगता है कि जो जिस तरीके से कर्नाटका की बात हो या और जो पिछले चुनाव हो, जैसे जो खरीद फरोख्त का काम हुआ है, क्या असल में भाजपा की पहचान इससे थी? क्योंकि हमेशा से जो आरोप ये कांग्रेस को लगते आए थे, आप इस मुद्दे को कैसे पहले देखते हैं? और शत्रु जी आपसे सवाल है कि आप अभी भी बोल रहे हैं कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा और ना ही पार्टी कभी छोड़ूंगा, पार्टी मेरे पे एक्शन लेना चाहती है वो ले सकती है, लेकिन जिस तरीके से पार्टी में पार्टी विरोधी जो आपका बात हो रही है, तो आपके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि आप पार्टी विरोधी विचारधारा से काम कर रहे हैं, तो पार्टी क्यों आपके ऊपर एक्शन अब तक नहीं ले पाई है? ऐसा क्या उनके ऊपर मजबूरियां हैं कि जो आपके ऊपर अभी तक एक्शन नहीं ले? देखिए, ऐसा है कि मैंने इस पार्टी को थोड़ा पर्सनल हो रहा हूँ, उस समय ज्वाइन किया था जब अटल जी और आडवाणी जी का नेतृत्व इस पार्टी को प्राप्त था, और उनके साथ पार्टी में काम करने में या सरकार में काम करने में या सरकार जाने के बाद फिर पार्टी में काम करने में मुझे कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई थी। पिछले 4 वर्षों से लगभग हमको एक तो ये लगने लगा कि पार्टी के भीतर जो आंतरिक प्रजातंत्र होता है, इंटरनल डेमोक्रेसी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया और पार्टी जो है वो दो लोगों के हाथ की कठपुतली बन के रह गई, जैसे सरकार भी दो लोगों के हाथ की कठपुतली बन के रह गई है। और सारे प्रयास इसको बदलने के लिए, इसमें सुधार लाने के लिए जब मुझे विफल होते नज़र आए तो मैंने ये सोचा कि अब एक समय आ गया है जब मैं खुलकर, पार्टी छोड़कर और खुलकर अपनी बात लोगों के सामने रखूं, तो इसलिए मैंने फैसला किया। और पटने में मैंने जो घोषणा की थी 21 अप्रैल को, उसको थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने एक घोषणा ये की कि 2014 में स्वेच्छा से वॉलेंटरिली हमने तय किया कि हम अब चुनावी राजनीति में नहीं रहेंगे।
तो हम चुनावी राजनीति से अलग हो गए। पटने में मैंने घोषणा की कि अब हम दलगत राजनीति में, पार्टी पॉलिटिक्स में भी नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी से संबंध तोड़ने के बाद मैं किसी दूसरे दल में न जा रहा हूँ न जाऊँगा। तो बिल्कुल दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, लेकिन फिर भी चूंकि अभी विवेक जिंदा है तो इसलिए हमें लगेगा कि देश के ये मुद्दे हैं जो गंभीर हैं और इसके बारे में मुझे कुछ कहना चाहिए, तो वो अवसर मैं ज़रूर उसका उपयोग करूंगा और अपनी बात रखूंगा, जो रखने का प्रयास मैं पार्टी के भीतर भी रह के कर रहा था और अब पार्टी के बाहर आकर ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा खुले तौर पर मैं रख सकता हूँ। तो कृपया ये अंडरस्टैंड करें कि एक चुनावी राजनीति होती है जिसको मैंने 2014 में छोड़ दिया, एक उसके ऊपर दलगत राजनीति होती है जो मैंने 21 अप्रैल को छोड़ दिया, और एक होता है देश का सार्वजनिक जीवन, पब्लिक लाइफ ऑफ द कंट्री। उस पब्लिक लाइफ में हम भी हैं, आप भी हैं, सब लोग हैं जिनका एक पब्लिक रोल है, उनकी भूमिका है। तो वो भूमिका मैं निभाता रहूँगा जब तक ईश्वर मुझे ताकत देता है उस भूमिका को निभाने का। लेकिन मैं जोर देकर इस बात को कहना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट द पार्टी विच आई हैड जॉइंड इन 1993। ये वो पार्टी नहीं है, अटल आडवाणी की पार्टी नहीं है। और उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, आज मैंने यहीं एक अखबार में पढ़ा, शांता कुमार जी का स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अगला लोकसभा चुनाव अब नहीं लड़ूंगा। और उसके साथ ही साथ जब कर्नाटक के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक उदाहरण दिया हिमाचल प्रदेश का कि 1982 में जब चुनाव हुआ था हिमाचल असेंबली का, तो बीजेपी हैड 129 सीट्स, कांग्रेस पार्टी हैड 131 सीट्स, बट अकॉर्डिंग टू शांता कुमार जी देर वर 6 इंडिपेंडेंट्स हु वर प्रिपेयर टू सपोर्ट द बीजेपी इन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। और उस समय अटल जी ने कहा कि नहीं, हम विपक्ष में बैठेंगे, हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे। एक वो उदाहरण दिया है शांता कुमार जी ने। और आज जो कर्नाटक में हो रहा था, जो सफल नहीं हुआ भाग्य से, फॉर्चुनेटली, वो क्या हो रहा था, कर्नाटक की स्थिति क्या थी, कर्नाटक में भाजपा को मोहब्बत नहीं मिला और दो इंडिपेंडेंट्स को छोड़कर बाकी दो दल थे। और जब तक उन दोनों दलों से रिटेल तौर पर खुदरा में हम एमएलएस को नहीं लेते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्वाइव नहीं करती। एकदम बिल्कुल इट वाज एज क्लियर एज डे लाइट दैट वी विल हैव टू इंडल्ज इन हॉर्स ट्रेडिंग, दैट वी विल हैव टू इन वॉट एवर वे गेट दोज एमएलए सपोर्ट फॉर अस इन वायलेशन ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। उसके बाद भी हम लोग मॉरल हाई ग्राउंड से, हमारे प्रवक्ता मॉरल हाई ग्राउंड लेकर कह रहे थे कि नहीं, हमको मेजॉरिटी मिलेगी, हम जीतेंगे और ये वो। तो इज दिस द पार्टी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी एंड अडवाणी? इट इज नॉट। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट इन सेइंग दैट द टू पर्सन्स हु कंट्रोल द पार्टी टुडे आर नोवेयर कंपेयर्ड टू अटल जी एंड अडवाणी जी, आइदर इन स्टेचर और इन मॉरल स्टैंड। जो आपने मुझसे पूछा था, ख़त्म कर दूँ जो इन्होंने कहा है उसका, तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, उसका कैप्शन दे चुका हूँ मैं, वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी, वो तो पहले आ ही चुका है। तो इनका तो उस बात में अच्छे से विस्तार से बताया। आपने कहा मुझ पर एक्शन क्यों नहीं ले रही पार्टी और क्यों निकाल नहीं रही है, अब ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है वो ये भी हो सकता है कि शायद मेरी छवि अच्छी है, शायद आज तक मुझ पर कोई एलिगेशन का आरोप नहीं है, कोई भी किसी किस्म का करप्शन का, किसी किस्म न फैमिली लाइफ में, न पर्सनल लाइफ में, न पॉलिटिकल लाइफ में, न सोशल लाइफ में, न मिनिस्ट्रियल लाइफ में कभी ऐसा कोई आरोप नहीं रहा। ये भी हो सकता है उनको लगता है कि हर बार रिकॉर्ड मार्जिन से जीत रहा है, लोकप्रियता बढ़ी हुई है। आपको पता होगा पूरे देश में सबसे हाइएस्ट वोट शेयर से, हाइएस्ट वोट शेयर मार्जिन से जीतने वाला मैं आपके सामने बैठा हूँ,
सबसे ज़्यादा वोट्स शर्मा जी, तो ये सब भी कारण हो सकता है। बहरहाल मुझे इसकी चिंता नहीं है, ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारी पार्टी भी, और पार्टी में अगर आप जो बात कह रहे हैं अगर मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, और अगर जो आप कह रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट में कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि नोटबंदी ख़राब बात थी, अच्छी बात नहीं थी, लोग बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, डेली वेजेस वाले बर्बाद हो गए, हमारे छोटे छोटे ठेले वाले, रड़ी वाले, पटरी वाले, छोटे छोटे फैक्ट्री लगाने वाले कहाँ गए, सबकी दुकानें बंद हो गई, इतनी हालत खराब, लोग लाइन में आ गए, लाइन में आके मरने लगे लोग, ये सब जहाँ अब तो लोग सब कह रहे हैं कि नोटबंदी का क्या हाल हुआ, उसके बाद उस नीम पे करेला जीएसटी। तो अगर मैं कह रहा हूँ, मैं अपने लिए तो कोई लाइसेंस नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपने लिए तो ये नहीं कह रहा, मुझे कोई फैक्ट्री चाहिए, मुझे कोई काम चाहिए, कोई मेरा फेवर है, कोई जुगाड़ कर दो मेरा, मैं तो वो नहीं कह रहा हूँ। मैं तो अगर सो कॉल्ड रिस्क भी ले रहा हूँ तो उन्हीं के लिए ले रहा हूँ, और लोगों को तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी में भी कोई ऐसा आदमी है जो इन बातों को कह सकता, वरना बाकी सब तो स्तुति गान में लगे हुए हैं, बाकी ज़्यादातर तो लोग देखें नतमस्तक पड़े हुए हैं, सांप सूंघ गया, दहशत में, भय में, अरे तो कोई तो खुल के बोल रहा है नेशनल इंटरेस्ट में, तो बोलना चाहिए। और मैं मर्यादा के लिए किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप तो नहीं लगा रहा, किसी के ऊपर गाली गलौज तो नहीं कर रहा, मैं अपने भाषा का मैं संयम रखता हूँ, तो ये सब देख के नहीं कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो धीरे से इशारा करने कुछ वो भी कह दीजिए, मैं कह रहा हूँ अब मामला जो है सही दिशा में जाना दिख रहा है, सब बिल्कुल शुरुआत अच्छी हो चुकी है, और इस पे हम इतना ही कहेंगे कि चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज़ चल रही है हवा, बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। थैंक यू। आपने बोला है कि दो लोग हैं जो बीजेपी को चला रहे हैं, पाकिस्तान की तरह चला रहे हैं, मेरा सवाल है वो आपसे दोनों से डरते क्यों हैं या आपको इग्नोर क्यों करते हैं? दूसरा सवाल है कि जो पता चला आप महागठबंधन बनाने की बात कर रहे हो, उसके लिए मोदी को फेर देने के लिए, टक्कर देने के लिए आपको कौन सा लीडर लगता है जो उसको टक्कर दे? देखिए, मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूँगा कि लीडर बनते नहीं हैं, माने बनाए नहीं जाते हैं, उभरते हैं, तो समय आएगा तो कोई ना कोई लीडर उभरेगा, और मुझे लगता है कि अभी इस देश में एक प्रवृत्ति है, हमने शुरू किया पंडित नेहरू से, पंडित नेहरू हु आफ्टर पंडित नेहरू हु, इंदिरा गांधी हु, शास्त्री हु, ये करते करते राजीव गांधी हु, तो सबके सामने हम एक हु लगा देते हैं कि इसके बाद कौन, कोई ना कोई निकलेगा, उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक नंबर दो, मैं बिल्कुल आज आपके सामने स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूँ, मोदी मुद्दा नहीं है, मोदी इज नॉट द इश्यू, मुद्दे मुद्दे हैं, इश्यूज़ आर इश्यूज़, और प्लीज़ टेक नोट ऑफ दिस, यहाँ पर जितने हम लोग बैठे हैं नोबडी इज़ पर्सनली अगेंस्ट हिम, क्यों होंगे, हमारी कोई ज़मीन जायदाद की लड़ाई है उनसे, लेकिन वी आर विटनेसिंग सर्टेन ट्रेंड्स इन दिस कंट्री, इन दिस सोसाइटी विच आर नॉट हेल्दी, एंड दैट गिव्स अस ए लॉट ऑफ anxiety for the future of our society and our country. तो इसलिए मुद्दे प्रिवेल करेंगे, जब कभी फैसले की घड़ी आएगी व्यक्ति प्रिवेल नहीं करेगा, किसानों का मुद्दा है, यूथ का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा है, जनरल इकोनॉमी का मुद्दा है, मुद्दे ही मुद्दे भरे पड़े हैं इस देश में, तो इसलिए हम लोगों का ये स्ट्रैटेजी है कि हम लोग मुद्दे पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे एंड नॉट ऑन पर्सनैलिटीज। देश के रहनुमा मैं पंसिना जी से
गुजारे दिनों की, और जे सबके साथ और सबका विकास और 15 लाख रुपनी चुप्पी तोड़ेंगे। तुम लोग कहाँ जाओगे, हमें एक शेर याद आई मैं आपको सुना दूं। सोचा था कि दिल जला डाले, छोड़ दे इनको, हमने सोचा था। यशवंत सिन्हा जी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने विचार हम लोगों को ये मौका बैठे हैं, जो और कई लोगों के साथ दिल्ली में एक साथ मिले थे, खड़ा करेंगे इस देश में जिसका नाम होगा राष्ट्र मंच। तो आज उसी अभियान में हम लोग धवन साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम आपसे अपील करें। चंडीगढ़ में प्रजातंत्र के बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, इस देश के मूल्यों को बचाने के लिए एक ज़बरदस्त आंदोलन के साथी हैं। पटियाला जेल देखिए, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, बड़े गांवों में, छोटे गांवों में, सड़क पर चलते हुए जितने पेट्रोल स्टेशन है ना, उसमें एक आदमी की तस्वीर लगी, एक आदमी की तस्वीर वहां नजर आती है ना आपको करते हुए। तो नहीं, इसलिए नहीं लेता हूं भाई धवन जी, इसलिए नहीं लेता हूं कि मेरे एक बहुत पुराने मित्र थे, मैं नाम आपको बाद में बता दूं, उन्होंने मुझे सीख दी थी कि दुष्ट का नाम लेने से दुष्ट की ताकत बढ़ती है, इसलिए दुष्ट का नाम मत लो। यशवंत सिन्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यशवंत सिन्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये जो बहलाने की, फुसलाने की, दिग्भ्रमित करने की राजनीति 4 वर्षों से चल रही है इस देश में, वो एक गंभीर मुद्दा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोगों को जो सबसे बड़ी चिंता है वो देश के भविष्य की चिंता है। 4 साल में देश के भविष्य ने, देश की दिशा कैसे कैसे बदल गई। इस देश में कभी इमरजेंसी भी लगा था, और हमसे जब पत्रकार पूछते हैं तो मैं कहता हूं कि उस समय जो इमरजेंसी लगी थी वो एक दिन अचानक उसकी घोषणा हो गई कि इमरजेंसी लग गई, जो विरोध में लोग थे उनको जेल में बंद कर दिया गया। यशवंत जी, आपने कहा कि ये एक आंदोलन नहीं है, आंदोलन है पर कोई पार्टी नहीं है, इसको आप कैसे आगे लेके जाएंगे? आप देश भर में जगह जगह जा रहे हैं और जिस तरीके से स्थिति बनी है देश में, थर्ड फ्रंट की जो स्थिति बन रही है, उसको आप कैसे देखेंगे? उसमें आपका क्या रोल होगा? हम अपना काम करेंगे राष्ट्र मंच के माध्यम से, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना काम करेंगी, और जो देश में चेतना जगाने का काम करना है वो एक ही तरह से हो सकता है जैसे पहले हुआ है, कि हम लोगों के बीच में जाएं, लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रखें, उनको कन्विंस करने की कोशिश करें, और मीडिया के माध्यम से अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। जिस तरीके से देश में भाजपा चल रही है, आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि जो आपने भी कहा कि आपने जो भाजपा ज्वाइन की थी, आपने अटल और अडवाणी वाली भाजपा ज्वाइन की थी, जो ये चल रही है वैसी भाजपा आपने? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा मैंने, क्योंकि अटल और अडवाणी की जो भाजपा थी वो बिल्कुल दूसरे ढंग से चलती थी, उसमें बहुत एकोमोडेशन था अलग अलग विचारों के लिए, उसमें एक संवेदनशीलता थी, उसमें एक स्पेस था जो आज के दिन उपलब्ध नहीं है। आज की भाजपा बदली भाजपा है, अटल अडवाणी की भाजपा नहीं है। बहुत कुछ आंतरिक जो प्रजातंत्र है भारतीय जनता पार्टी में वो आज के दिन नगण्य है। कर्नाटका के नाटक के बारे में क्या कहना चाहोगे? कर्नाटका के नाटक के बारे में यही कहना चाहेंगे
कि कर्नाटका का नाटक भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए था। जब जेडीएस और कांग्रेस ने अपना दावा ठोका और साफ दिखाया कि उनके पास बहुमत है, तो फिर अपना दावा जो था वो भारतीय जनता पार्टी को वापस लेना चाहिए था, विपक्ष में बैठने का फैसला करना चाहिए था और फिर इंतजार करना चाहिए था या तो अगले चुनाव का या उस सरकार के गिरने का। संघ की भूमिका को कैसे देखते हैं? ज़्यादा इंटरफेरेंस मानते हैं कि पार्टी में ज़्यादा इंटरफेरेंस संघ की इसी वजह से सारा कुछ हो रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ कि मेरी कोई विशेष जानकारी इसके बारे में नहीं है, क्योंकि मैं बहुत नज़दीक नहीं रहा हूँ संघ। बहुत बुरा हाल किसानों और किसानी का, बहुत बुरा हाल है पूरे देश में, पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक और असम से लेकर गुजरात तक, और हर जगह किसान दुखी है और इसके लिए किसान जो है वो आंदोलनरत है पूरे देश में। अनुपम खेर के नाटक का टाइटल दिया ना, कुछ भी हो सकता है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तो शुरुआत है, इब्तिदा है, अभी हमने आगे आगे बढ़े हैं और आगे राष्ट्रमंच के जरिए इन मुद्दों को लेकर नेशनल इंटरेस्ट में, जनता के हित में बातों को आगे बढ़ा रहे हैं, अब जगा रहे हैं, जागरूकता ला रहे हैं और हर जगह बहुत कामयाबी के साथ, बहुत प्यार के साथ, बहुत भरपूर समर्थन मिल रहा है। और जैसा किसी ने पूछा था अभी कि सो ये कैसा आंदोलन की शुरुआत, अगला क्या होगा, वो मैं उस पर यही कहता हूँ कि चाइनीज़ में कहावत है, ए जर्नी ऑफ 1000 माइल्स मस्ट बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। हज़ारों मील लंबी यात्रा की शुरुआत पहले उठे हुए और बढ़े हुए कदम से होती है, और अब तो देखिए कितने कदम साथ उठ गए हैं। मैं सिर्फ हरमोहन धवन जी का ही जिक्र नहीं कर रहा हूँ, हम अपने फॉर्मर एम्बेसडर केसी सिंह जी का ही जिक्र नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव से लेके अखिलेश यादव से लेके हर पार्टी के आप नाम लें, चाहे वो दिनेश त्रिवेदी वहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी से लेके, सब इतने अद्भुत लोग, बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रभावशाली लोग शामिल हुए हैं। तो मैं समझता हूँ भविष्य हमारा, यानी हमारे राष्ट्रमंच के जरिए भारत का भविष्य उज्जवल है, बढ़िया हो। हाँ, आ जाएगी। अमन, थैंक यू।